स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो चुकी है, सीधे आपको विधानसभा की कार्यवाही में लेकर चलते हैं। तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो चुकी है और राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। यहाँ विपक्ष एक तरफ जहां अपने मुद्दे लेकर पहुंचा है और काफी हंगामेदार शुरुआत हुई है विधानसभा के सत्र की, तो दूसरी तरफ बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिनकी हनुमान बेनीवाल के साथ हल्की फुल्की बहस भी हुई और इस तरह की तस्वीरें विधानसभा के पहले ही सत्र के दौरान देखने को मिली। कार्यवाही का शुरुआत होती है और राज्यपाल के अभिभाषण की स्टार्टिंग में ही अचानक से बहस की आवाज आने लगती है और हंगामा शुरू हो जाता है। तो आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद आपको विधानसभा की कार्यवाही में हम लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि जहां विधानसभा में अभी स्पीकर वासुदेव देवनानी बैठे हैं। राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा और उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा। कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान। मैं इस अधिसूचना को सदन की मेज पर रखता हूँ। सभापति तालिका की, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9(1) के अंतर्गत मैं निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं: श्री अर्जुन लाल जिंगर, श्री राजेंद्र पारिक, श्री फूल सिंह जी मीणा, श्री संदीप शर्मा। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री टीकाराम जूली को विधायक दल का नेता चुना गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा पार्टी के नेता श्री टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है। बधाई आपको। राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। यतः मैंने व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 के प्रावधानों को देखा, जो 4 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और 14 मार्च 2022 को मेरी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 के द्वारा राजस्थान राज्य में व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे सशक्त और आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कर प्रस्तुत किया गया है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन वर्णित प्रावधानों के तहत व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना के संबंध में निम्न कमियां पाई गई हैं: 1. राज्य सरकार के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 26/7/2007, 21/1/2011, 30/7/2012 तथा 1/2/2013 तथा समय समय पर संशोधित दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु पृथक से 30 एकड़ परस्पर मिली हुई सपरिवर्तित भूमि पर 10,000 वर्ग मीटर का भवन निर्माण होना आवश्यक है, जिसका उपभोग सिर्फ प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना होता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के भवनों को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नवीन भवन दिखाकर निरीक्षण करवा लिया गया है एवं उसी भूमि व भवन को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु दर्शा दिया गया है, जिसका प्रमाणीकरण सत्यापन समिति द्वारा कर दिया गया है, जो दिशा निर्देशानुसार नहीं है। 2.
दिशा निर्देशानुसार पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की भूमि एवं भवन के अलावा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु पृथक से 30 एकड़ सपरिवर्तित भूमि एवं नवीन 10,000 वर्ग मीटर निर्माण होना चाहिए, परंतु संस्था के पास राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित भूमि एवं भवन का सपरिवर्तन तथा एकल पट्टा उपलब्ध नहीं है। 3, विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि एक जगह होकर उसका एकल पट्टा होना चाहिए, जबकि संस्था द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के विभिन्न पट्टों की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें परीक्षण समिति व सत्यापन समिति के सत्यापन के समय भूमि का उपयोग अस्पताल कार्य हेतु दर्शाया गया था। तत्पश्चात उपयोग शैक्षणिक दर्शाया गया है, जिसके लिए संस्था एवं परीक्षण तथा सत्यापन समिति संयुक्त रूप से दोषी है। 4, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर संस्था का स्वामित्व दर्शाया गया है, जिसका सपरिवर्तन नहीं करवाया गया है, जिसके लिए परीक्षण व सत्यापन समिति तथा संस्था संयुक्त रूप से दोषी है। 5, संस्था को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त स्वामित्व की भूमि की किस्म आज भी ऑनलाइन बारानी दिखाई जा रही है। 6, संस्था की दोनों भूमियों के बीच में कितनी दूरी है उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है एवं ना ही सक्षम स्तर पर साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। 7, प्रस्तावित विश्वविद्यालय नगरीय सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है उसका सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जबकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 26/7/2007 की शर्त संख्या 9(1) ABC के अनुसार संस्था की दूरी का निर्धारण नहीं होने